स्व भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समृद्धि शिवानी। बिहार के सभी जिलों में पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से अब उत्तर व पूर्व बिहार के कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि के बाद कई जिलों में अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। भारी बारिश की वजह से बिहार में 3 नदियों में अचानक उफान से मुजफ्फरपुर के कटरा के पास बागमती पर बना पीपा पुल और डायवर्शन बह गया। बेनीपुर में दक्षिणी उपधारा के पास काफर बांध 70 फीट तक कट गया। उधर गंडक नदी की तेज धारा ने गोपालगंज के बरौली में कटाव शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ एहतियातन प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय मोतिहारी शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। स्थिति यह हो गई है कि लोगों के घर के बेडरूम तक में पानी घुसा हुआ है। शहर की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दिया है। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को 13 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत। धन्यवाद।